वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज योर फ्रेंड ड्रॉप फ्रॉम राइट। आज के ब्लॉग में आपको फिर से लेकर आया हूँ किसल कार केयर करोड़बाग, जहाँ पे मेरे पास आ जाइए XUV300 XUV300 के अंदर बहुत सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ भैया के गोडाउन के अंदर, जहाँ का सारा सामान है पूरा ए से लेकर जेड तक। XUV700 मतलब सारा जितना भी कोई भी गाड़ी का जर्मन सामान चाहिए भैया से जो है परचेज कर सकते हैं। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटोमैक्स के बारे में, जो कि एक इंडियन ब्रांड है और पास्ट 1.5 साल से मैं उसको यूज़ भी कर रहा हूँ। चाहे तो वो मेरी गाड़ी की डैम्पिंग होगी ऑटोमैक्स की स्विफ्ट के अंदर, चाहे तो मेरी गाड़ी के हॉर्न्स हो गए, हम जो है सारा प्रोडक्ट जो ऑटोमैक्स का यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो लेकर आए। तो आज हम बात करने वाले ऑटोमैक्स के चार्जर की, जो कि एक फास्टेस्ट चार्जर है जो कि मिनिमम टाइम में आपके मोबाइल को मैक्सिमम चार्ज कर देता है। आइए दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखता है। ऑटोमैक्स एक और चार्जर जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और जिसमें आप लोगों को बताया कि मैं ऑटोमैक्स से जुड़ा भी हूँ, तो ये इसका एक अपडेटेड चार्जर है जिसमें टाइप सी हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी के लिए कुछ ऐसे फास्ट चार्जर का या माइक्रोफाइबर क्लोथ्स या अच्छे हॉर्न या बहुत सारी वाइड रेंज अगर आपको चाहिए, तो आप जाके जो है अपने नियरेस्ट डीलर पे जाइए, वहां जाके डिमांड कर सकते हैं ऑटोमैक्स के प्रोडक्ट्स की। सो आज हमारे पास ऑल न्यू XUV300 और जिसके अंदर की कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिकली गाड़ी एक बेस मॉडल है। हेडलैम्प्स के अंदर प्रोजेक्टर कुछ भी नहीं है, DRLs वगैरह कुछ भी नहीं है गाड़ी, और फेंडर पर इंडिकेटर है, तो बेस मॉडल का आइडिया आपको यहाँ से लगी गया होगा। और गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, हेड यूनिट इसके अंदर कुछ भी नहीं आया था, एकदम प्लेन कवर बॉक्स आया था जो भी मैं आपको दिखा दूंगा, एकदम बंद था। उसके बाद हमने जो है इसका पूरा फ्रेम यहाँ पे जो है रेडी कर रहे हैं। तो या हमारे पहलवान भैया डोले शोले लेके क्या कर रहे हो भैया? आप सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है। और हमारे दिलीप भाई आप क्या कर रहे हो? डैम्पिंग कर रहे हो। चलो आते हैं, साइड भी आते हैं अभी। यहाँ पे हमारी गाड़ी में जो है काफ़ी सारा काम होने लग रहा है। हेड यूनिट अपनी लगनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वायरिंग मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, पूरी समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको डैम्पिंग दिखा देता हूँ भैया, डैम्पिंग करते कैसे। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ डैम्पिंग एक्चुअल में की कैसे जाती है। ये एक इनर लेयर पे डैम्पिंग चल रही है अपनी, जो कि प्रॉपर 3M की डैम्पिंग है। एक बार इसको इनर लेयर पे करेंगे पूरी ऊपर से लेकर टिल आखिरी तक, उसके बाद जो हमारी एक्सटीरियर पे भी डैम्पिंग होगी, इसको हम कहते हैं डुअल लेयर डैम्पिंग। और हमेशा मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि डैम्पिंग हमेशा डुअल लेयर कराओ। एक तो साउंड प्रूफ हो जाती है गाड़ी, अनवांटेड नॉइज़ बाहर की नहीं आती, टायर नॉइज़ नहीं आती है, उसके बाद जो है म्यूज़िक भी जो है एनहांस हो जाता है। यहाँ पे ये रखी है अपनी दूसरी और भी डैम्प, चूँकि सारे डोर्स भी नहीं यहाँ पे लगनी बाकी है। यहाँ पे अभी हमारी सिंगल लेयर डैम्पिंग हो चुकी है, मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ। हेडफोन्स लगा लेना, नहीं तो स्पीकर को कान में घुसेड़ देना अच्छे से। ये देखो तो काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाता है एक डैम्पिंग करने के बाद। और चारों डोर्स हमारी अभी जो है डैम्पिंग होनी है गाड़ी के अंदर। और इसके अंदर जो हमारा स्टीरियो लगेगा ये पूरा प्रॉपर एक पॉइंट टू पॉइंट कपलर टू कपलर लगेगा, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, जो कि इसकी वायरिंग हो भी चुकी है, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को जो है अलग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वायरिंग यहाँ पे की गई है इसकी। मैंने देखा था फ्रंट डोर पे हमारी डैम्पिंग हो रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ रेयर डोर। या भैया हमारे डैम्पिंग कर रहे हैं रेयर डोर पे। संदीप भैया डुअल लेयर डैम्पिंग कर रहे हो? डुअल लेयर डैम्पिंग होती है, फायदा डुअल लेयर का ही है ना, सिंगल लेयर में कोई मजा नहीं है। काफ़ी फर्क पड़ जाता है, म्यूजिक भी इनहांस होता है और एज वेल एज आपका आउटपुट तो अच्छा निकलता ही है एक नॉर्मल स्टीरियो से भी, और टायर नॉइज़ भी खत्म हो जाती है इंटीरियर कैबिन। इंटीरियर पे बात करें तो हेड यूनिट पे जितनी भी चीज़ें लगी है मैं आपको सारी बताऊंगा, साथ में हमारा जो है इन्फिनिटी का प्राइमस सीरीज का कंपोनेंट हम चारों डोर्स पे यहाँ पे जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। भैया चेक कर रहे हैं प्रॉपरली कौन सा है क्या है, भैया ही गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है रख रखी है सामने, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रही है अपनी। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरी वायरिंग किस तरीके से जो है की गई है, कहाँ से कैसे करिए, कहाँ से कैसे करिए। देखो अपना मकसद ना वीडियो बनाने के बाद ना ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखें और हमारे पास आए, आप लोग उस वीडियो को देखो और इस काम को समझो। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अलग है भाई कि कब तैयार थी और गाड़ी दिखा दी, ऐसा सीन शॉट यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल। मेरा पॉइंट वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को जो है सीधी एक रेडी गाड़ी दिखाऊंगा ना भाई। हम क्या दिखाते हैं पूरी डिटेल दिखाते हैं, ये नहीं कि तैयार गाड़ी में आया वीडियो बनाए दिखा दी। इसमें क्या आपको समझ में आएगा, आप सिर्फ सामान देख सकते हो, उसके बारे में डिटेल नहीं जान सकते। मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा, पूरा टाइम दूंगा। और अब वायरिंग की बात आती है ना, वायरिंग समझाते हैं। चलो आज वायरिंग समझाएं आपको कि सिस्टम की वायरिंग कैसे की गई है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि वायरिंग समझाई जाएगी कि कैसी वायरिंग किस चीज़ की क्या है ना भाई साहब, तो बताया वायरिंग यहाँ हमने पूरी वायरिंग कर दी है, समझा दो एक बार जरा
दिखाओ मुझे जरा वायरिंग ढंग से दिखाओ बिल्कुल। ये स्पीकर वायर है जो ठीक है, वायर की आउटपुट ठीक है, आउटपुट के लिए हमें ना पता है भैया ये स्पीकर ये तो ठीक है। चलो मेरे को आप ये दिखाओ मेन कपलर दिखाओ, ये मेन कपलर अपना ये अलग करके दिखाओ बिल्कुल ठीक है। कंपनी का कपलर ये अपना कंपनी का कपलर है भाई, इस पे कोई कट नहीं है कुछ नहीं है, देख लो पूरी कंपनी। ये हमारा अपना कपलर है ठीक है, इसके अंदर सारी वायर जा रही है, चाहे तो एम्प की होगी चाहे स्पीकर वायर होगी सारी इसके अंदर से जा रही है। इसके अंदर कोई किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाती है। ये कपलर हमारा इसके अंदर डलता है, लगा दो एक बार। ये कपलर गया इसके अंदर, ये कपलर गया इसके अंदर। अब ये जो है वायरिंग हमारी यहाँ से रेडी हो की जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट यही है समझाने का आप लोगों को कि मतलब किसी तरीके की कोई वायरिंग कट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अगर वीडियो आप लोगों को मैं बना के दे रहा हूँ तो मेरा मोटो यही होता है हमेशा वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पूरी डिटेल दी जाए, तभी मैं भैया लोगों के पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ गाड़ी में बैठ के 5-8 घंटे जितने भी लगते हैं। हेड यूनिट लग रहा है भैया लगा रहे हैं डीबस का। देखो एंड्रॉयड की पता क्या दिक्कत है, एंड्रॉयड ना सारे सेम दिखते हैं ना भैया, सही बोला, सारे एंड्रॉयड सीता गीता है ठीक है राम और श्याम है। बट मेन चीज़ जो होती है ना एंड्रॉयड की खासियत यही होती है कि वो 2/16 होता है, 2/4/32 होता है, इस तरीके से जो उसकी क्वालिटी आगे आगे अप होती रहती है ठीक है। ठीक है तो ये अपना डी बास का हेड यूनिट है जिसके अंदर लग रहा है। डी बास हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं, मैक्सिमम कार्स में हम डी बास ही जो है आपको समझाया था मैंने। अब बात आती है हमारे कंपोनेंट्स की वायरिंग की। ये हमारे कंपनी की वायरिंग है ना भैया, ये हमारा कपलर है, ये हमारे उस पर लगा, ये देखो भैया ने दिखाना भैया, ये हमारे कंपनी की वायरिंग है, लगा दो भैया इसका आपस में। ये हमारा लग गया कपलर, अब ये वायरिंग लग गई हमारे क्रॉसओवर के अंदर, एक लगेगी ट्यूटर की एक लगेगी कंपोनेंट की ठीक है। बोलो भैया देखो भाई, तो यहाँ पे किसी तरह कोई वायरिंग कट वगैरह नहीं है, जो कि चीज़ आप लोगों को वीडियो में हमेशा पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें और काम जब वीडियो देखो तो उस चीज़ का कुछ यूज़ होना चाहिए मेरा मेरे हिसाब से। तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को उस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए, समझने के लिए मिलना चाहिए और एज वेल एज देख के पता लगना चाहिए कि काम कैसा हो रहा है ना, सही बोला भैया। अरे बाबा तो अगर मैं आऊँ तैयार गाड़ी दिखा के चले जाऊँ तो क्या कुछ समझ में आएगा बंदों को, भाई बंदों को समझ में आएगा ही नहीं। फिर देखो गाड़ी तो अपनी हो गई पूरी तरह कम्प्लीट, ऐसे बाहर का सामान मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, पूरा महिंद्रा जेन्युइन सारा सामान अभी आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इंटीरियर की बात करूँ यहाँ पे तो इंटीरियर पे अपना जो है एंड्रॉयड यहाँ पे है, डी बास का हमने यहाँ पे हेड यूनिट इंस्टॉल किया है, साथ में जो है हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं चारों डोर्स पे कापा के, इन्फिनिटी कापा सीरीज के, और एज वेल एज रेयर पर हैं तो वूफर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ठीक है। गाड़ी में ऐसे कुछ खास काम नहीं था, बट यहाँ डैम्पिंग वगैरह पूरी डैम्पिंग वगैरह हुई है गाड़ी के अंदर पूरी रेयर पे भी। विजय भैया कैसे हैं आप? कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे? अच्छा विजय भैया क्या दिखाने वाले हो आज? भैया आज हमने एक सुबी 300 तैयार की है जिसके अंदर की सिर्फ ओनली वन सिस्टम लगा था ठीक, डैम्पिंग वगैरह हुई और डंपिंग हुई थी, कैमरा लगा था, हेड यूनिट लगा था, कंपोनेंट स्पीकर लगे थे, एम्पलीफायर लगा ठीक है। उसके बाद उस एक सुबी 300 के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक, जैसे हम स्कॉर्पियो S5 को S11 बना देते हैं, इसी तरह से हम एक सुबी 300 को भी W8 बना सकते हैं ठीक ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीज उसका दिखाता हूँ कि हम क्या क्या लगा सकते हैं उसके अंदर ठीक। तो आप हमारे गोदाम में आ चुके हैं और हर गाड़ी का माल होता है हमारे पास, हुंडई हो, किया हो, महिंद्रा, मारुति, हर गाड़ी का पार्ट अवेलेबल होता है ठीक है, सारी गाड़ी का सामान यहाँ पे अवेलेबल हाँ। है ठीक। तो मैं शुरुआत करता हूँ आपको सीट कवर से, तो ये हमारा 300 के सीट कवर है ठीक भैया, जो कि कस्टम फिट है, जिसको कुछ आदमी बकेट बोलते हैं, बकेट से ऊपर होता है, कस्टम फिट है, कस्टम सीट कवर है ओके। इसमें भी हमारे पास वैरायटी होता है, जैसे एक ये हो गए, दूसरा ये हो गए ठीक है भैया, भैया के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये हो गए हाँ जी भैया, इसके बाद ये हो गए, ये तो मैं आपको अभी चार सैंपल दिखा रहा हूं, हमारे पास 20-25 सीट कवर रेडी होते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी अगर आपको सीट कवर पसंद नहीं आएगा तो आप गूगल से हमें डिजाइन निकाल के दे दीजिए, या आपका अपना कोई डिजाइन हो तो हम अवेलेबल कर देंगे 3 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर सीट कवर बना के लगा देंगे ठीक है भैया। हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ठीक है, यहाँ भैया बता रहे हैं सीट कवर की वाइड रेंज हमारे पास, देख लो भैया बहुत बढ़िया ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको मैट दिखाता हूँ, 90 मैट बोलते हैं इसको ओके। ये GFX कंपनी का है, ये भी हमारे पास हर गाड़ी का अवेलेबल होता है, 300 के होते ही होते हैं। इसके अलावा और सारी गाड़ी
अवेलेबल होता है। इसके बाद 7D का खुद की हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी आपको सही वैरायटी मिल जाएंगे, कई कलर मिल जाएंगे, ये नहीं कि ब्लैक सिल्वर ही मिलेगा आपको, इसमें 10 कलर भी मिल जाएगा। ये है हमारी 7D, ये बाजार से कुछ हटके होता है, इसकी फिनिशिंग फिटिंग सब अलग होंगे और क्वालिटी काफी बढ़िया होगा। इसे बटर में नहीं, बटर फुल ब्लैक मिल जाएगा, ब्लैक सिल्वर मिल जाएगा, ब्लैक रेड मिल जाएगा, 10 कलर मिल जाएगा, क्रीम कलर मिल जाएगा, बेज कलर बोलो या क्रीम कलर बोलो वो मिल जाएगा। तो शीट कोट और मैटिंग तो हमारी खुद के मैन्युफैक्चरिंग है ही है। इसके अलावा नीचे का फ्लोर मैट भी हर गाड़ी में हम डालते हैं, डाई वाला हो या रेगजिन का बना हुआ हो। ठीक है भैया, तो ये तो हमारी शीट कोट और मैट हो गया। ठीक, अच्छा ये सारा भैया हमारा वो सामान हो गया जो हम यूजुअली अपनी हर गाड़ी में डालते हैं, लेकिन महिंद्रा बेस मॉडल वो ऑटो फोल्डिंग नहीं आते, तो हमारे पास ब्रेजा, सेल्टोस, सोनेट, वैगनार, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, डिजायर, बलिनो, क्रेटा, दोनों तीनों मॉडल, तो हर गाड़ी का इनोवा क्रिस्टा, हर गाड़ी का ऑटो फोल्डिंग होता है, एक्सयूवी 300 की, तो एक्सयूवी 300 की साइड ग्लास है। साइड ग्लास ये तो हो गया भैया, साइड ग्लास, साइड ग्लास। ठीक है भैया, ऐसे और क्या क्या आइटम हमारे पास भैया? भाई एक एक करके हर चीज आपको दिखाऊंगा। ठीक, और अब भैया निकाले हैं इसके फॉग लैंप। ये फॉग लैंप DRL हो गए, जो कंपनी की W6 के अंदर आता है, W7-8 के अंदर आते हैं। ठीक, और ये हम वर्किंग में चाबी के साथ आपको लगा के देंगे, कोई तार कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा कंप्लीट लगा रहेगा। ये आपको क्रोल बाग हो या क्रोल बाग से बाहर कोई लगाता नहीं है, कहता है जी इसकी फिटिंग फ्रेम नहीं होता, इसका ये नहीं होता, जो ब्लैक पार्ट आपकी गाड़ी पे लगा होता है वही कटिंग होके लग जाता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर फिटिंग करके हम देंगे आपको, पूरी चाबी के साथ चालू करके देंगे। ठीक है भैया, जो हेडलाइट के साथ पूरी लंबी डियारल, लंबी डियारल है। महिंद्रा की पैकिंग दिख रहा होगा। हाँ जी भैया, इधर आपको लिखा होगा 100B 300। हाँ जी ठीक है, ये है हमारा महिंद्रा की सेंटर लॉकिंग, कपलर टू कपलर, ये है महिंद्रा की जेन्युइन सेंटर लॉकिंग। पूरी आप डब्बा पैक देख रहे होंगे, ये आपके सामने कपलर टू कपलर वायरिंग है पूरी। ठीक है भैया, पूरा महिंद्रा जरूर है, ये देखो भाई पूरे स्टिकर वगैरह ही मिलते हैं। ये यूनिट है इसकी महिंद्रा, महिंद्रा का बढ़िया। इसकी रिमोट है महिंद्रा। ठीक है, ये भैया अब नेक्स्ट बॉक्स खोल रहे हैं भैया, ये किस चीज का बॉक्स है? हमारी हेडलाइट, ये है आगे हमारी हेडलैम्प्स, जिसका कि काफी भाई लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे। ये देखो भाइयों, ये टॉप मॉडल की हेडलैम्प्स हमारे, और एक बार में लगेगा क्रिस्टल कार गियर पे, दोबारा नहीं आने पड़ेंगे, और चाबी से जलेगा DRL नीचे तक पूरी फोक लाइट तक। ठीक है भैया, ठीक है, और उड़ेगी नहीं DRL इसकी, खासियत हमारी, मतलब यहाँ पे कई बार ऐसा सुनने में आता है कि उड़ जाती है, उड़ जाते हैं DRL 300 की 99%। अच्छा, मगर उड़ेगी नहीं, मैं खुद ओपन बोल रहा हूँ। अच्छा भैया, इसका भी एक बार ब्रांडिंग दिखाओ कि जेन्युइन है। ये रहा भाई, ये देखो महिंद्रा जेन्युइन है पूरी। ठीक है भाई, आप सारी जगह खोज लोगे मिलेगी नहीं। ये हमारी डैशबोर्ड की किट और कंसोल की, दरवाजे की। ओके, ये भी जेन्युइन पूरा महिंद्रा, महिंद्रा की। ठीक है, तो भैया ने तो आज भाइयों आप लोगों के सारा सामान इकट्ठा करके दिखाने के लिए रखा है, बाकी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो सब है। ये देखो ये भाई, टॉप मॉडल में आता है बेसिकली महिंद्रा जेन्युइन। स्टीयरिंग बटन भैया ने सारा का सारा गोडाउन खोल दिया है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो हर एक चीज का सामान यहाँ पे अवेलेबल है भैया के पास। महिंद्रा फोक लाइट, ये देखो भैया फोक लैंप्स। ये फ्रेम नहीं मिलता, DRL लगाना पड़ेगा जी। ये इसकी पियानो फिनिश फ्रेम जो टॉप मॉडल में लगते हैं फोक लाइट की, फोक लैंप के फ्रेम जो टॉप मॉडल में बेसिकली लगते हैं भैया कह रहे हैं, पर ये इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। बहुत कुछ अभी हमारे पास ना सारी गाड़ियों का, डोर पैनल वगैरह देखो वो सामने रखे हुए उधर पीछे, ये डोर पैनल रखे हैं नीचे भी अरे सारे टॉप मॉडल्स के। ये है हमारी कार्बन फिनिश अंदर की पार्ट, देखो भाइयों जबरदस्त रेडी किया हुआ है, जबरदस्त। मतलब भैया आप बेस को पूरा टॉप बना के भेजोगे यहाँ से, अगर कोई आता है तो महिंद्रा 300 वाला
दूसरी कंपनी क्रीम कलर लगा के देता है, देख लो भाई। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ जी भैया, सबसे ज़्यादा मैं इसका वेट कर रहा हूँ इसके, हाँ इसी चीज़ का बोलने वाला था। ये देखो भाइयों, ज़बरदस्त चीज़ भाई, टॉप मॉडल में ही हमको आर्मरेस्ट मिलता है, मतलब टॉप मॉडल में आर्मरेस्ट मिलते हैं, उससे नीचे वाले में नहीं मिलते हैं। ये देख लो भाइयों, आर्मरेस्ट पूरा जेन्युइन महिंद्रा, अंदर स्पेस है इसके, और प्लस इसके अंदर जो एक्स सीरीज इसमें लॉक, मेरे ख्याल से भैया इसके नट बोल्ट्स वगैरह होंगे ना, ये इसकी फिटिंग है भाइयों, जबरदस्त। और भैया ये इसके लिए, इसको अगर बेस मॉडल में लगाते हैं तो कोई ऐसा कुछ कटिंग पुटिंग तो नहीं करनी पड़ती होगी, सीधा लगता होगा ये भी ना। ये रख दिया भैया ने हमारे आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट हमारे पास बहुत सारी गाड़ियों के भी होते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो मार्केट में जो एक नॉर्मल सा लग के आता है वो लगा लो, नहीं तो अगर किसी को जेन्युइनली चाहिए तो भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों के लिए पूरी चीज़ें खोद खाद के दिखा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा भैया ने। ये देखो ये जेन्युइन स्कफ प्लेट XUV300 पूरे जेन्युइन भैया ने, और रूफ रेल्स खोल लिए, ये रूफ रेल्स आ गई हमारी, ये है रूफ रेल। ठीक है भैया, ये हो गई हमारी वेलकम प्लेट जो लाइट वाले, ये लाइट वाले भैया, और जो भी आपने पहले दिखाए थे वो OEM थे। ठीक, ये भैया ने खोला इसका, थ्री डबल ओ 120। ये अपना है स्पॉइलर ना भैया, ये है अपना स्पॉइलर। ठीक है, ये बॉडी कलर, जो भी कलर गाड़ी हो आपको उस कलर की स्पॉइलर आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। अभी आपको मैंने महिंद्रा का फोक लाइट दिखाया आपके सामने, महिंद्रा की फोक लाइट है, ठीक है जी। हाँ जी, और ये इसका आफ्टर मार्केट फोक लाइट है, ये इसका आफ्टर मार्केट है। हाँ, ये वाला। हाँ, ठीक है भैया, सामने से दिखाइए दोनों, सामने से दोनों की फिनिशिंग बल्ब सब कुछ चेक कर लीजिए, ये आफ्टर मार्केट वाला भी हमारा। अंदर की क्रोम रोम से आपको पता लग रहा होगा, जेन्युइन और लोकल, कांच से भी पता चल रहा होगा। हाँ, तो ये हमारा जेन्युइन है, ये हमारा आफ्टर मार्केट में। आफ्टर मार्केट कह रहे हैं लोकल कहे, लोकल कहे उसको। हाँ, जेन्युइन के सामने तो फिर ये लोकल है भाइयों, ये जेन्युइन है। अच्छा भैया, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, ये से लेके और हर कुछ की, अच्छा फर्क होगा। जैसे मान लो कि इसकी फिटमेंट में थोड़ी दिक्कत आएगी आफ्टर मार्केट में, आप लगा के ले जाइए, कल के बल्ब खराब हो जाएगा आपको पता भी नहीं, पता भी। ठीक है, और अपने कंपनी वाले में थोड़ा ट्रस्ट होगा, जेन्युइन बल्ब होगा, कपड़े पूरा जेन्युइन आ रहा है। ठीक है, उस राम दे दो। ठीक है, मतलब ये चीज़ भी है कि अगर आफ्टर मार्केट में अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो उसमें फिटमेंट वगैरह में 19-20 रहता ही है, और जो हमारा OEM होता है उसकी जीरो फिटमेंट मिलती है, एकदम बिल्कुल जीरो बाई जीरो फिटिंग मिलेगी। ठीक है, सबसे सब फर्स्ट नंबर आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे दुकान पे ठेके कलर का काम नहीं करता, हम सैलरी कलर के से काम कराते, तो स्वाभाविक सी बात है कि काम बढ़िया होगा। ठीक है, उसकी मीटर भागेगी नहीं, वो तो लगा रहेगा, 5 मिनट के काम को 10 मिनट में करेगा। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आपको काफी सारा सामान दिखाया अपने XUV300 का। अच्छा भैया, जैसे हमने XUV300 का दिखाया, ऐसा हमारे पास स्कॉर्पियो का भी है, 700 का भी है, मतलब सारी गाड़ियों के सामान है महिंद्रा में। भैया हमारे पास जो रेडी स्टॉक होते हैं एनी टाइम, न्यू बलेरो, हाँ जी, XUV300, XUV700, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये गाड़ी का माल तो होता ही होता है, होता ही होता है। ठीक है, अभी इसके अलावा रनिंग गाड़ी यही है, अभी जो नई वर्जन गाड़ी आ रहा है वो यही है, महिंद्रा की यही गाड़ी रनिंग है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको मारुति में बलिनो हो गया, बैगनार हो गया, स्विफ्ट हो गया, डिजायर हो गया, इसके बाद ब्रेजा हो गया, XL6 हो गई, हाँ जी, ये सारे गाड़ी का माल अवेलेबल होता है हमारे पास, अर्टिगा। ठीक, और अगर किसी को आफ्टर मार्केट चाहिए तो वही मिल जाएगा, और जेन्युइन चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल, दोनों अवेलेबल होते हैं। और सारे पार्ट हमारे पास, हम फर्स्ट नंबर अगर गोदाम हमारी अपनी है, गोदाम में आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये नहीं कि गोदाम से ला रहा हूँ और बाजार से मंगा के दिखाने वाला कोई काम नहीं होता हमारे पास, हमारे पास सारे माल अपने होते हैं। ठीक, ठीक है जी, जो भी चाहिए आपको एक ही छत के नीचे सारा कुछ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, चाहे तो आपकी कोई सी भी कार हो ना भैया। हाँ जी, चलो आज के लिए बस यही था, अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से काम करवाना है, चाहे तो कोई सी भी गाड़ी हो, कोई सी भी, अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी के एक्सेसरीज नहीं मिल रही ना, तो भी आप एक बार इन नंबरों पे कॉल करना, विजय भैया के पास आइए। छोटी सी एक उदाहरण है भैया, आप एक गाड़ी में काम करा के देखो, आपको अपने आप बेनिफिट मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं। हाँ जी, ठीक है, वीडियो तो सारी दुनिया डालता है। हाँ जी,
आज की डेट में ऐसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकानें, हर दुकान की वीडियो आपको मिलेगा। हाँ। मगर उसमें भी आपको सर्वे करनी है कि हमारे को माल कहाँ बढ़िया मिलेगा। वो आने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि यहाँ माल यहाँ पे है, हमें यहाँ पैसे देंगे तो हमारी आगे तक गारंटी भी मिलेगी और माल भी हमारे गाड़ी पे बढ़िया मिलेगा। सही बात। जैसा कि अब गाड़ी बंदा बहुत मुश्किल से एक ही बार लेता है, कई बार तो कई लोग तो एक ही बार लेते हैं, कई बार लेते रहते हैं लेकिन मुश्किल से ही लेते हैं, तो उसको आप ऐसे मत खुलवा लो, आप अच्छे से चेक करो, है ना भैया। हाँ जी भैया। चलो आज के लिए बस यही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप विजय विजय के पास आना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। हमारी दुकान है क्रिस्टल कार केयर, करोल बाग, न्यू दिल्ली। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।